कंसा तुम अपनी बहन देवकी के आठवें बच्चे से मारे जाओगे। सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत ज्यादा स्पेशल व्लॉग है मेरे लिए भी, इन बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। हो सकता है कि आप में से बहुत ज्यादा लोग पेरेंट्स हो या तो आगे जाके कभी ना कभी पेरेंट्स बनोगे, सवाल ही नहीं उठता। आज हम पढ़ने वाले बहुत अच्छी कहानियां। मैं फर्स्ट क्राई से कुछ बुक्स ऑर्डर करने वाला था, इंग्लिश लर्निंग बुक्स इन बच्चे लोगों के लिए, ABCD, और अचानक मेरे सामने आई देवताओं की किताबें, यानी ये लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा, रामायण, महाभारत, हनुमान जी, इन सब की स्टोरीज बच्चों के लिए। ये सारी भी चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे ऐसी सारी चीजें बच्चों को बताना एक स्पेशल तरीके में बहुत ज्यादा पसंद है और मैं भी पर्सनली बहुत एंजॉय करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे सारी चीजें नहीं पता है, तो इन लोगों को बताते बताते मैं भी बहुत सारी चीजें सीख पाऊंगा जो कि बचपन में महाभारत देखा, कृष्णा देखा या उसके बाद कभी पढ़ाई नहीं की उनके बारे में। इन्हें पढ़ाने के साथ साथ मैं भी बहुत सारी चीजें सीख पाऊंगा। तो जो बुक्स हम लोगों ने मंगाई है वो कुछ इस तरह है, लॉर्ड कृष्णा, रामायण, लॉर्ड गणेशा, हनुमान जी और महाभारत। तो आज शुरू करते हैं माय फर्स्ट माइथोलॉजी टेल, लॉर्ड कृष्णा। बच्चा पार्टी चलो, क्या चल रहा तुम लोग का वीडियो के पीछे? क्या चल रहा तुम लोग का? चलो 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 बैठो, अभी अपन पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा आप ही का बुक है, आपकी कहानी है, समझ लो। यह है कंसा, वासुदेवा और देवकी। लॉन्ग अगो प्रिंसेस देवकी एंड हर ब्रदर प्रिंस कंसा लिव्ड इन मथुरा। बहुत समय पहले की बात है बच्चा पार्टी। प्रिंसेस देवकी और उनके भाई प्रिंस कंसा रहते थे मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। देवकी वॉज काइंड वाइल कंसा वॉज क्रूअल। देवकी बहुत अच्छी बात थी, सुनो कृष्ण खुशी, देवकी बहुत अच्छी बात थी, सब करती थी, मम्मी डैडी की बात सुनती थी, बाहर सबकी हेल्प करती थी, लेकिन कंसा वॉज क्रूअल, किसी की बात नहीं सुनता था, सबको मारता था, किसी की हेल्प भी नहीं करता था, अच्छे बाबा के नहीं, नहीं किसी की भी हेल्प नहीं करता था। सुन देवकी, ये देखो, देवकी वॉज मैरिड टू नोबल मैन वासुदेवा। फिर कंसा की जो बहन थी ना देवकी, जो रानी थी, उन्होंने शादी की एक अच्छे भले आदमी से, वासुदेवा। वो भी गुड बॉय था, वो भी सबकी हेल्प करता था, सबकी मदद करता था। वन डे व्हाइल कंसा वाज टेकिंग देवकी एंड वासुदेवा टू द पैलेस, अ डिवाइन वॉइस सेड। एक दिन जब कंसा, जो ये कंसा बैड बॉय था ना देवकी का भाई, वो देवकी और देवकी के हस्बैंड वासुदेवा को महल लेके जा रहा था। कहा महल, और अचानक ही देव बप्पा की आवाज आई ऊपर से, कंसा will be killed by Devki's eighth son. कंसा तुम अपनी बहन देवकी के आठवें बच्चे से मारे जाओगे। यानी देव बप्पा ने बोला, कंसा तुम बहुत बैड बॉय हो और तुम बहुत गलत काम करते हो, किसी की नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते, तो तुम्हें तुम्हारी बहन देवकी का आठवां बच्चा मार देगा क्योंकि तुम बैड बॉय हो। क्या हो? कंसा कैसे गुस्सा हुआ? कंसा ने बोला, मैं कैसे, मैं तो सबसे बाहुबली हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं ही सबको मारता हूँ। लेकिन फिर कंसा को बहुत गुस्सा आया, कंसा बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा है। ही देन ट्राइड टू किल देवकी। देखो उसने देवकी को मारने की कोशिश भी की है ना, बट वासुदेवा प्लीडेड विद हिम टू स्पेयर हर। लेकिन वासुदेवा ने देखो पैर पड़ा ना, है ना, कंसा का पैर पड़ा, बोला प्लीज मेरी देवकी को जाने दो कंसा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे होंगे वो जैसे पैदा होंगे हम आपको दे देंगे। क्या क्या करेंगे? जैसे पैदा होंगे हम आपको दे देंगे। उसके बाद कंसा इम्प्रिजेंट देवकी एंड वासुदेवा, कंसा ने देवकी और वासुदेवा को जेल में डाल दिया। देखो जेल दिख रही है, व्हेनेवर अ चाइल्ड वाज बोर्न टू देम ही वुड इमीडिएटली किल द चाइल्ड। जब भी वो लोग को छोटा बाल होता था ना देवकी और वासुदेवा को, तो कंसा ना वो बालों को मार देता था, फेंक देता था। बिकॉज ऑफ दिस देवकी एंड वासुदेवा लॉस्ट 7 ऑफ देयर चिल्ड्रन। कौन सा जेल है ये? देखो ये वाला। और इसी के कारण जब भी कंसा मार देता था उनके बाबू को, वो लोग के 7 बच्चे कितने खुशी, 7 बच्चे लोग देव पापा के पास चले गए। बहुत बैड बॉय था वो। लेकिन वन नाइट इट वॉज रेनिंग हेविली, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तूफानी बारिश, बहुत ज्यादा खतरनाक बारिश हो रही थी। एंड देवकी गेव बर्थ टू अनदर चाइल्ड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। देवकी ने एक और बाल को जन्म दिया, पोट से एक और बाल निकला देवकी के, और वो था कृष्णा। कौन? कृष्णा। हाँ। सून
a divine voice told Vasudeva to take the child to Nanda, the village chieftain of Gokul, and bring back the baby girl born to Nanda's wife Yashoda. जैसे देव बप्पा ने बोला कि हे वासुदेव जा अपने कृष्णा बच्चू को लेके जा, वहाँ पर मुखिया है गोकुल गांव का नंदा, उनके यहाँ पर एक बाल हुई है, बेबी गर्ल हुई है, हाँ उस बेबी गर्ल को लेके आओ और अपना जो बाल है कृष्णा उसको यशोमती मैया के बगल में सुला दो। नहीं बेटू, प्यार से बोला, बोला हे वासुदेवा आपका जो पुत्र हुआ है कृष्णा उसको पास के गांव गोकुल में लेके जाओ, वहाँ पर मुखिया है वहाँ का नंदा, उनकी पत्नी है यशोमती मैया। कौन? यशोमती मैया। हाँ गोकुल गांव में यशोमती मैया रहती है। कौन? यशोमती मैया। हाँ उनके यहाँ पर एक बाल हुई है बेबी गर्ल, एकदम प्यारी प्यारी बेबी गर्ल खुशी जैसी, उसको लेकर आओ और अपने कृष्णा बाल को वहाँ पर रख दो। सडनली सडनली द गार्ड्स fell asleep and the doors of the jail opened. जैसे देव बापा ने ये बोला सारे जो देखो सिपाही लोग हैं, देखो सब सो गए, सारे के सारे सिपाही सो गए, देव बापा ने उन लोगों को सुला दिया और जेल के जितने भी दरवाजे थे वो खुल गए। On his way to Gokul, Vasudeva had to cross the Yamuna. जैसे वासुदेवा जेल से बाहर गया और गोकुल गांव जा रहा था तो बीच में एक नदी आई, क्या नाम था? यमुना। और वासुदेवा को वो नदी पार करके जाना था और अचानक ही मिराकुलसली द रिवर मेड वे फॉर वासुदेवा टू क्रॉस इट इजिली एंड रीच गोकुल। और अचानक ही जादू वाला तरीके से देव बप्पा ने वासुदेवा को हेल्प किया क्योंकि वासुदेवा गुड बॉय था। देव बप्पा ने नदी का पानी कम कर दिया और वासुदेवा उसमें से एक टोकरी में कृष्णा बाल को लेकर जाने लग गया। डुपुक 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 डुपुक। वासुदेवा देखो ना कृष्णा बाल टोकरी में है ना। हाँ आप है क्या? हाँ बेटू समझ लो डैडी है, समझ लो बाला, कृष्णा बाला का डैडी। और बहुत बारिश हो रही थी ना, इट वॉज रेनिंग हेविली। और बाला को देखो, बाला के पास छतरी रेनकोट कुछ भी नहीं था और बाला को बहुत लग रहा था ना बारिश जोर से। तो फिर बाला को भुकर ना जाए करके नदी में से आए शेषनाग। कौन? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी में से आए शेषनाग और बालक को देखो छतरी जैसा बचा लिया ना, छतरी बन के बालक पे पानी भी नहीं गिरने दिया और बालक को पूरा नदी पार करवाया। देन वासुदेवा प्लेस्ड द चाइल्ड नेक्स्ट टू यशोदा एंड ब्रॉट द बेबी गर्ल विथ हिम टू मथुरा। और जैसे ही वासुदेवा गोकुल पहुंचा वो यशोमती मैया के पास गया, उसने देखा एक छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल खुशी जैसी वहां पर सोई रो रही है। फिर वासुदेवा ने अपने बाल कृष्णा को यशोमती मैया के पास रखा। किसके पास? किसके पास? यशोमती मैया के पास रखा और बेबी गर्ल को मथुरा लेके आया जेल में। किधर? जेल में जिधर कंस ने उसको रखा था। द स्लीपिंग गार्ड्स वोक अप ऑन हियरिंग द बेबी क्राई। जैसे वो जेल में आया तो जो छोटी बेबी गर्ल थी वो रोने लग गई हमको यशोमती मैया के पास जाने करके। और फिर सारे जो गार्ड्स जिन लोगों को सुलाया था ना, देखो बेहोश किया था ना देव बप्पा ने, वो लोग सब उठ गए। उठ गए बेटा, वो जैसे बाल रोया वो लोग उठ गए। दे इनफॉर्म्ड कंसा हु देन ट्राइड टू किल द बेबी गर्ल। जैसे वो लोग उठे वो लोग भागे कंसा के पास और कंसा को बताया देवकी और वासुदेवा को एक और बाल हुआ है, चलो चलो जल्दी। फिर कंसा वहां पर आया और उसने दोबारा बाल को मारने की कोशिश की। हाउएवर लेकिन द बेबी टर्न इनटू गॉडेस एंड डिसअपीयर्ड। लेकिन जैसे ही कंसा ने वो बाल को जो यशोमती मैया के दर्शन आए थे ना वासुदेवा, उसको मारने की कोशिश की, वो जो बाल थी वो देव बप्पा बन गई माता, गॉडेस। शी टर्न इनटू गॉडेस एंड डिसअपीयर्ड। वो गायब हो गई। जहां तक मुझे याद है मैं बचपन में जब कृष्णा दिखता था तो उसमें जैसे ही कंसा वो बालों को फेंकता है बेबी गर्ल को तो वो देवी बन जाती है और वो बोलती है कि कंसा तेरा जो काल है जो तेरे साथ होने वाला है वो होगा और तुझे देवकी का आठवां पुत्र मारेगा क्योंकि तू बैड बॉय है, तू किसी की नहीं सुनता है, तू सबको मारता है, तू किसी की हेल्प भी नहीं करता, किसी गरीब बालक को कपड़े भी नहीं देता, खाना भी नहीं देता और अज्जी बाबा की भी नहीं सुनता, मम्मी डैडी की भी नहीं सुनता, सबको उल्टा बोलता है। इन गोकुल नंदा एंड यशोदा ब्रॉट अप कृष्णा विद लव। जैसे टाइम बीता तो गोकुल गांव में कौन था? कृष्णा। कृष्णा किसके पास था? यशोमती मैया। और नंदा के पास
उन लोगों ने कृष्ण को बहुत प्यार से बड़ा किया, गुलू 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 गुलू, और उसको सब अच्छा अच्छा सिखाया, अज्जी बाबा की हेल्प करने का, सबकी हेल्प करने का, टीचर की सुनने का, मम्मी डैडी की सुनने का, कैसे सब खाने का। सून कंसा हर्ड अबाउट कृष्णा ब्रेवरी, जैसे टाइम बीता कृष्णा बड़ा हुआ, कैसे हुआ बड़ा हुआ, गुड बॉय बना। एंड सून कंसा हर्ड अबाउट कृष्णा ब्रेवरी एंड प्लान टू किल हिम, कंसा को पता चला कि कृष्णा बहुत गुड बॉय बन गया और वो बहुत बहादुर है, क्योंकि वो सब खाता पीता है, बॉर्नविटा दूध भाजी दाल चावल सब खाता है और उसमें बहुत ताकत आ गई है। कंसा ने उसे मारने का प्लान किया, ही इनवाइटेड कृष्णा टू मथुरा फॉर रेसलिंग मैच, उसने कृष्णा को बोला आओ मेरे यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए मथुरा में आओ और हमसे डिशुम डिशुम फाइटिंग करो और हमको हरा के दिखाओ। ही पिटेड हिज माइटी रेसलर चनुरा अगेंस्ट कृष्णा, कंसा ने ये उसका जो देखो रेसलर था बाहुबली उसका उसका सबसे बैड बॉय चनुरा, उसको बोला कि तुम कृष्णा को मारोगे और उसे हराओगे। चनुरा ट्राइड टू स्क्वीज कृष्णा विथ हिज बिग आर्म्स, चनुरा ने कृष्णा को पूरा तोड़ मरोड़ने की कोशिश की उसके बड़े बड़े आर्म्स, देखो कितने बड़े बड़े आर्म्स है, बट कृष्णा थ्रू हिम ऑन द ग्राउंड, कृष्णा ने चनुरा को पटक दिया जमीन पर। क्यों? क्योंकि कृष्णा सब खाता था सब पीता था, गुड बॉय था, वो एक्सरसाइज भी करता था। कृष्णा टुक हिज स्वॉर्ड एंड किल्ड कंसा, कृष्णा ने चनुरा को हराने के बाद स्वॉर्ड ली, देखो तलवार, कृष्णा टुक हिज स्वॉर्ड एंड किल्ड कंसा, कंसा को मारा। ही देन फ्रीड हिज पेरेंट्स फ्रॉम प्रिजन एंड टुक देयर ब्लेसिंग्स, कृष्णा ने कंसा को मारा और फिर उसके बाद अपने जो पेरेंट्स थे मम्मी डैडी उनको जेल से बाहर निकाला। कौन थे उसके मम्मी डैडी? कृष्णा के, देवकी एंड वासुदेवा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, गुड बॉय बनने का, गुड गर्ल बनने का, सबकी हेल्प करने का, सबको मदद करने का, और मम्मी डैडी की सुनने का, अज्जी बाबा की सुनने का, उल्टा नहीं बोलने का, टीचर की भी सुनने का, बाद में जो भी खाने देंगे सब खाने का, फिर ही आप कृष्णा जैसे बाहुबली बनेंगे, है ना, बॉडी बनेगा आपका, कितना बॉडी बनेगा फिर?